हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। जैसे गाइस आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि थंबनेल में आपको क्या दिखाया गया है कि 8 इंची बटरफ्लाई वाल किस तरीके से लगाया जाएगा, जो कि एग्रीकल्चर के वर्क के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर फसल बाड़ी जो होती है खेती गुती करने वाले उनके काम आता है वो बटरफ्लाई वाल, और किस तरीके से उसको फिट किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। जो भाई मेरे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है बटरफ्लाई वाल आपके सामने, ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये देखिए, और ये नीचे असेंबली जिसको पंजाबी में नक्का बोल दिया जाता है, ये असेंबली। और ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई के चारों ओर ब्लैक कलर की एक परत है छोटी छोटी, वो एक रबड़ है जो कि असेंबली जब इसके दोनों साइड आ जाती है उसके बाद ये टाइट कर दे तो उसके बाद लीकेज नहीं होती, रबड़ जो है इसकी लीकेज को रोके रखती है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी असेंबली दोनों साइड से सेट होगी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसके नट पड़े हैं बड़े बड़े, तो उन नटों को हम असेंबली को जो टाइट करेंगे, आपस में असेंबली को टाइट करेंगे, हमारा जो बटरफ्लाई वाल है वो ऑटोमेटिक ही उसमें टाइट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ। सो ये लीजिए गाइस, हमने बटरफ्लाई वाल को दोनों असेंबली के बीच में टाइट कर दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये यूज़ कैसे होगा, इसका क्लच दबा करके और इसको खोल दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद गाइस हम पाइप के टुकड़े लगाएंगे। ये देखिए, हमने एक एक फिट के टुकड़े काट लिए हैं जो कि 8 इंची पाइप के, और ये देखिए असेंबली के पास हमने पाइप के टुकड़े को रगड़ दिया है जो कि पूरी अच्छे तरीके से इसकी पकड़ बन जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको सोलवेंट लगाने के बाद, ये देखिए सोलवेंट लगा रहे हैं, सोलवेंट लगा के और पाइप के टुकड़े को पूरे अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे उसके अंदर। ये देखिए आपको दिख रहा है, सोलवेंट पूरे अच्छे तरीके से लगाया जाता है इसमें। ये देखिए, सो ये लीजिए गाइस, हमने पाइप के टुकड़े लगा लिए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई वाल जो कि बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको 8 इंची पाइप में बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट सेट करेंगे। इसकी हमने पूरी मिनती ले ली है और जहाँ पे इसको सेट करना है वहाँ की हम मिनती लेके वहाँ का टुकड़ा काटेंगे। मैं वहाँ का आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। सो गाइस, आपके सामने मैंने बटरफ्लाई वाल जिसको दो असेंबली उनके बीच मैंने फिट कर लिया है। जो वाल होता है, वाल के दोनों साइड में रबड़ रिंग लगा आता है और जब उसको बंद करते हैं खोलते हैं तो बटरफ्लाई वाल बटर जो रबड़ के जरिए से ही पानी को रोकता है। सो इसको किस तरीके से फिट करेंगे, आपके सामने में पाइप के टुकड़े तो लगा दिए, अब इसको कहाँ और कैसे फिट करेंगे आप वीडियो को देखें। ये देखिए गाइस, ये है जगह जहाँ पर हमने बटरफ्लाई वाल लगाना है, और ये जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको ये 8 इंची का है और ये यहाँ से ये देखिए ऊपर को निकला हुआ है, असेंबली बाहर आई हुई है और यहाँ से वो सामने आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे नदी है छोटी सी नहर, उसमें से पानी इसमें आता है और आगे भी कई जो मतलब इस पाइप के कई पार्टनर हैं और उनके पास पानी पहुँचता है। ये देखिए आपको पाइप छोटे छोटे 6 इंची के दिख रहे हैं, एंड कैप लगे हुए, ये इसी खेत में निकलते हैं पानी के लिए, मैंने आपको दिखाया अभी। और ये ऊपर वाला पाइप है, ये है बोर वाला पाइप,
इसके अंदर पानी आता है और किसी और भाई को जो पानी की ज़रूरत पड़ती है, या आपको दिखाई दे रहा होगा इधर ये आगे और दिया गया है, असेंबली लगाई गई है, वहाँ से पानी दूसरे खेत वाले को मिल जाता है। तो ये ऊपर वाला आपको मैंने बैंड दिखाया जो, तो इससे इस कुएं के अंदर पानी चला जाता है और यहाँ पे इस पाइप के जरिए से क्रॉसिंग होकर निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पाइप को कट करेंगे। ये देखिए हम पूरी मिनती कर रहे हैं, नाप ले रहे हैं। ये देखिए अब हम पाइप को कट करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ये देखिए गाइस, हमने पाइप को कट कर दिया था पर उसमें से पानी बहुत ज़्यादा आने लग गया था, इसलिए हमने काम को पोस्टपोन कर दिया था, मतलब नेक्स्ट डे हमने काम किया था। ये देखिए पानी, ये देखिए गाइस हमने नेक्स्ट डे क्या किया था कि जो हमारा बटरफ्लाई वाल है उसके साइड पर हमने फिट का टुकड़ा लगाया था, उसके ऊपर हमने डी ज्वाइंट का एक हिस्सा चढ़ा दिया दोनों साइड पर। मैं ये देखिए इसके नीचे खड्डा है और ये डी ज्वाइंट है, दोनों साइड पे लगा रखा है बटरफ्लाई वाल के, और ये दूसरे पार्ट पड़े दूसरे हिस्से डी ज्वाइंट के दूसरे हिस्से पड़े। ये देखो आपको दिख रहे होंगे ये काफ़ी साइड पे रखे हुए थे, और ये हमारा डी ज्वाइंट और बटरफ्लाई वाल है। सो ये देखिए गाइस, हमने पानी जब उस पाइप का टुकड़ा काट दिया तो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये 10 किल्ले लंबी पाइपलाइन थी जो कि 8 इंच की है, सारा पानी भरा हुआ था जिस जगह पे हम पाइपलाइन का ये बटरफ्लाई वाल लगा रहे थे। ये थोड़ा सा नीचा हिस्सा था जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था, तो हमने क्या किया कि पानी के अंदर ही डी ज्वाइंट के दूसरे हिस्से को लगाना शुरू कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम दूसरे हिस्से लगा रहे हैं डी ज्वाइंट के, एक हिस्सा जो हमने डी ज्वाइंट और बटरफ्लाई के दूसरी साइड में लगा दिया है, मैं आपको दिखाया था अभी। इसके बाद ये देखिए गाइस, हमने जो अपना बटरफ्लाई वाल है पानी के अंदर हमने डी ज्वाइंट के दूसरे हिस्से चढ़ा दिए है, और जो ये बटरफ्लाई वाल है विद असेंबली पानी के अंदर चला गया। ये देखिए जो कि डी ज्वाइंट जो पानी है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि पहले डी ज्वाइंट को पूरे अच्छे तरीके से थोड़े बहुत मतलब थोड़े थोड़े नट टाइट कर दिए, और उसके बाद हमने इसके नट टाइट करने शुरू कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी तो हम डी ज्वाइंट के जो ऊपर के अपर पार्ट होते हैं जो सॉकेट होता है डी ज्वाइंट वाला, उसको हम लगा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जो हमने इनके नट थोड़े थोड़े लगा लिए थे क्योंकि बिना देखे ये काम किया तो थोड़ा मुश्किल तो हुआ पर लगा लिया हमने, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। सो ये देखिए गाइस, हमने पानी तकरीबन निकाल लिया था, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डी ज्वाइंट है इसको हम अच्छे तरीके से अब सेट कर रहे हैं। ये अब हम इसके जो नट है वो लगाएंगे, ये देखिए ये पूरे अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे। ये देखिए गाइस, हम डी ज्वाइंट जो है हम टाइट करना शुरू कर दिए हैं, ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी फास्ट कर रखी है मैंने वीडियो। तो गाइस क्या होता है कि जो वाइट कलर के डी ज्वाइंट होते हैं इनकी थोड़ी लीकेज रोकने थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ तो ग्रीस लगाई हो साथ में जो पेट्रोलियम जेली होती है वो लगाई जाती है, अगर आपके पास वो नहीं होती ग्रीस ना हो तो आप वहाँ पर एक कपड़े की लेयर बना लें, कम से कम बड़े कपड़े की लेयर हो जो कि उस एक लेयर से पाइप के चारों ओर कम से कम 2-3 सर्कल आ जाए। तो क्या है, रबड़ को डी ज्वाइंट के साथ लगाने के बाद जहां हम ग्रीस लगाते हैं वहां पे हम उस लेयर को लगा दें और उसके बाद डी ज्वाइंट को टाइट करें। ये लीजिए गाइस, हमारा डी ज्वाइंट और बटरफ्लाई वाल रेडी हो चुका है। सो गाइस, आपके सामने मैंने बटरफ्लाई वाल जो कि 8 इंची का मैंने फिट करके दिखाया, किस तरीके से फिट किया है आपने अच्छे तरीके से देखा। सो ये गाइस, ये इस तरीके से इतना डाउन में इसलिए लगाया गया है कि इनके जो मैंने आपको दिखाया था ना जो वीडियो में शूट हुआ है कि वो बीच में जो पॉइंट है इनके 3 पार्टनर है, जैसे कि पाइपलाइन डली हुई है कि जैसे एक पार्टनर के पास बोर को कुछ हो जाता है, मोटर को कुछ हो जाता है, तो वो दूसरी साइड से पानी लेके उसके अंदर डाल के
और किसी और के खेत में जाए, जिसको ज़रूरत है उसके खेत में पानी पहुंच जाए, तो ये इसलिए लगाया गया है। तो क्या होता है, इसी पाइप में से नहर का भी पानी आता है, तो इस पाइप से काफ़ी काम होते थे, इसलिए ये वाल लगाया गया कि इमरजेंसी में अगर कोई एक पानी यूज़ कर रहा है, कहीं नहरी पानी उठा रहा है, तो वो क्या होता है कि नहरी पानी उठा तो लेता है, जब वो खुद का अपना ट्यूबवेल चलाता है तो खुद का पानी उसके अंदर जाके किसी और के खेत में चला जाता था। तो इसलिए बटरफ्लाई वाल वहाँ पे नीचे लगा दिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इसको खोल दिया जाए और ज़रूरत ना हो तो इसको बंद कर दिया जाए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जो किसी भाई का क्वेश्चन हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।